हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? और आपका स्वागत है फिर एक बार आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम पे, जिसका नाम है मोनो गेमर्स। और मैं लौट आया हूँ इस वाले एपिसोड को लेकर, एक नया सीरीज को लेकर जिसका ट्रेलर आपने कुछ दिन पहले तो देख ही लिया होगा। नहीं तो आज है 1 जनवरी 2021। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। मुझे पता है हैप्पी न्यू ईयर है, सब लोग खुशी में। और मैं लेके आया हूँ 2D गेम्स का सीरीज। तो ये MGO एक्सक्लूसिव सीरीज होने वाली है और इस सीरीज को भी आपको 12 बजे मिल गया रहेगा ये शायद वीडियो, क्योंकि ये जब शूट हो रहा है तभी तो वो 12 जनवरी 1 तो नहीं है। इसीलिए तो मैं एडवांस में आप लोगों को बता देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि रिलीज तो हुआ है 1 जनवरी को, तो वो सब छोड़ देते हैं। और मैं लेके आया हूँ हेनरी स्टिकमैन कलेक्शन का फर्स्ट एपिसोड। मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट खेल रहा हूँ, और यही वो गेम था जो कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स खेल रहे थे। और मैंने अपने माइनक्राफ्ट के एक एपिसोड में इसके बारे में बताया था, भले ही मैंने नाम नहीं लिया था और इसी के बारे में बात करा। तो इसी गेम को हम लोग खेलने वाले हैं और देखते हैं कितने एपिसोड हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं, कितना IQ होने वाला है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, मेरे को भी पता नहीं है कैसे खेलते इसको। और अगर ज़्यादा आवाज़ आ रहा है क्या, रुको देखने दो। ठीक है, तो आवाज़ को मैंने थोड़ा सा तो लो रखा है। और फर्स्ट है ये प्रोलॉग, मेरे को पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते, तो मैं प्रोलॉग ही बुलाऊँगा। तो ये होने वाला है ब्रेकिंग द बैंक, मतलब एक हेनरी नाम का एक स्टिकमैन है जिसको बैंक के अंदर घुसना है। तो हम लोग वही उसको घुसाने को मदद करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे घुसेगा ये। अभी तक खेला नहीं है, तो मैं जैसे ही आपने देखा है फर्स्ट टाइम ही है ये, तो फिर ट्राई करके देख लेते हैं। शायद से अभी लाइन में जाके देख लेता हूँ ना, हम लोग का हर एक पता भी चल जाएगा। तो जो मेरे को ज़्यादा लग रहा है ना, उसके ऊपर सबसे पहले फोकस करेंगे हम लोग ना। शोवल से वो खुदाई करके नीचे से तो जा सकता है, तो यही वाला ट्राई कर सकते हैं हम लोग। शायद से जाना तो चाहिए। नीचे पुलिस है क्या? नहीं, ये क्या है? गैस मैन। ओ भाई यार, ये तो पागल ही है, किधर भी लाइटर लेके घूमता है। ठीक है, हम लोग वापस से ट्राई कर लेंगे। इस टाइम पे हम लोग लेज़र ट्राई करते हैं, लेज़र से शायद वो दरवाज़ा तोड़ दें। ओह खुल गया। अई क्या यार, पीछे वापस से हम लोग ये कर सकते हैं, उसको इस टाइम पे पता चल जाएगा ना, गिरेगा नहीं, पता नहीं। एक्सक्लोसिव नहीं, टेलीपोर्टर। अरे यार, टेलीपोर्टर है हम लोग के पास, हम लोग क्यों खाली फुकट कर रहे हैं? इतना इजी ऑप्शन है, डायरेक्ट अंदर ही चला जाएगा ये तो, सीधा अंदर। ओ देखा, हो गया पहले ही लेवल में पार। ओ ये क्या हो गया? अरे यार, ये टेलीपोर्टर क्या बोलेंगे अभी, ये क्या है? डिसगाइस क्या होता है देख लेते हैं। डिसगाइस, छुप, बोरी में बंद हो जाना, खुद को मार लेना, पता नहीं डिसगाइस का मत। ओ लगता है ये इन लोग का लगेगा करके, इन लोग का वो रह गया है, शायद से अभी घुस जाएंगे। इसके सबटाइटल्स कैसे चालू करूँ यार? रुको, मैं इसके सबटाइटल चालू करूँगा इसके बाद, देखते हो जाएगा क्या नहीं। ओ हम लोग घुस गए बैंक के अंदर, वाओ कितने अच्छे से तो घुस गए यार। चलो हो गया, बैंक में घुसने का था, हम लोग घुस गए। अयो अरे यार, अच्छे से उठना चाहिए था इसको, ये बहुत घाई करके उठ गया। हो गया क्या, रिट्राई करना है? अच्छा, नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है, तो नेक्स्ट पे कर सकते हैं, मतलब एस्केपिंग द प्रिजन। अच्छा, तो वही करने का था हम लोग का, राइट था वो, रॉन्ग तो नहीं किया था हम लोगों ने। ये क्या है, इसको जेल में बंद कर दिया है और अभी इसको भागने। ओ किसी ने तो पार्सल भी लाके दे दिया। अरे चल जल्दी करो, आपको शायद से सुनाई दे रहा होगा, मैंने उसका आवाज़ थोड़ा सा बारीक रखा है क्योंकि फिर मेरा आवाज़ ही नहीं आएगा। ओके, इसका बर्थडे है। ओ नहीं, कुछ तो है अंदर। अच्छा, इसको ही नहीं पता अंदर क्या है, मतलब हम लोग सिलेक्ट करेंगे। वाह, तो फाइल से वो खिड़की तोड़ के भाग सकता है,
पर इस गेम में पता है ना आपको सब कुछ अड़ टेढ़ है, तो इसके पास फोन है तो ये किसी को फोन करके तो बुला सकता है आराम से। ओ जल्दी से अच्छे से जिनको कॉल करना बस। September 9 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्टरूम नंबर 4। हो गया पार टेस्टिमोनी, क्या चल रहा है? क्या बक 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 बक, ये हम लोग है क्या? ओके तो हम लोगों को क्या करना, क्या इसके अंदर एविडेंस? अच्छा हम लोगों को एविडेंस देना है। क्या करना है मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अ डिवाइस हुज यूज इज अननोन, यही ना? अच्छा, प्रेजेंट करने का था, मैं कुछ भी कर दिया प्रेजेंट। अरे यार इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या दबाने का रहता, तो मैं कैसे खेलूंगा? ठीक है देख लेते क्या आता है। मतलब मेरा सेलफोन वाला आंसर करेक्ट था शायद, क्योंकि इतना बड़ा चौड़ा के लोग आगे की स्टोरी बता रहे हैं, मतलब वो आंसर जो था मैंने दिया था वो करेक्ट था। गिल्टी, ये क्या हुआ? वॉट काइंड ऑफ थर्ड रेट लॉयर डेड यू हायर? जब मैंने कोई भी ये एविडेंस कर दिया था यार। ठीक है तो हम लोग को कुछ अच्छा खासा एविडेंस देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर क्या है, ये एक अटर्नीज बैच है। इट्स माई ऑल इम्पॉर्टेंट बैच, इट स्टोर्स शोज दैट आई एम अ डिफेंस अटॉर्नी। अटॉर्नी क्या रहता है? दिस गाइज बैग, द बैग दैट डिफेंडेड यूज टू स्नीक इन टू द बैंक, द नॉट इज टाइड ऑन द आउटसाइड ऑफ द बैंक। ये वाला दे देते हैं। ठीक है, Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then how did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in there by this very witness. अच्छा तो ये हमारा लॉयर है और हम लोग को ये डिफेंड कर रहा है और ये हम लोग हैं। The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. But it's come back to haunt him now. You can't be happening to me! Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin. वाह, तो हम लोग यहाँ पर सब बच चुके हैं एकदम सक्सेसफुली। हम लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं यहाँ पर आपके सामने, देख लो हम लोग केस जीत चुके हैं। और ये क्या वापस से जा रहा है अभी चोरी करने को? नहीं मतलब उसको कितनी कितनी उसको मस्ती चढ़ी है, देखो खुद ही जाके चोरी कर रहा है। अभी जस्ट निकला है तभी भी उसको और चोरी करने की है, क्या बोलेंगे अभी। तो हम लोग ये भी जीत चुके हैं यार, स्टीलिंग द डायमंड। ये एपिसोड नंबर 2 होने वाला है और ये लास्ट एपिसोड हम लोग कर देंगे इसे। तो आप लोग सुन लो, द ट्यूनीशियन आर्कियोलॉजिकल एग्जिबिट ओपन। अरे स्टिकमैन को इतनी ज्यादा लालच है। तो अभी यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और ये एक पता नहीं कौन सा तो महल टाइप है और उसके अंदर डायमंड रखे। तो हम लोग भी बर्स्ट इन करेंगे डायरेक्ट सामने जाके, तो वहाँ पर आप लोग देखो छोटे 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 आपको दिख रहे रहेंगे,
मैं जूम कर लूँगा फिर एडिटिंग में, तो ये तो छोटे छोटे जो है ना वो शायद से वाकर के सैनिक है, तो वही चिंटूल है, उन लोग को शायद स्टिकमैन मार देगा तो बस्टिंग करेंगे हम लोग, डर जाएंगे शायद हम लोग से वो। अरे पता चले वो डर के मारे भाग जाए ना, देखते हैं कुछ भी हो सकता है बाबा, इसके अंदर पता नहीं चलता। देखा, अरे यार दबाना था क्या, मेरे को पता ही नहीं। अच्छा समझा, मेरे को समझा, ठीक है रैम्प करने का, रैम्प या बिजुक। देखा हम लोग जीत गए, मैंने कहा था हम लोग बर्स्टिंग करेंगे, हम लोग जीत जाएंगे आराम से। क्या हो गया, हार गए हम लोग? शील्ड शील्ड, अरे यार इसमें बीच में कुछ भी हो जाता है। अरे भाई हम लोग तो एकदम प्रो। अरे बाप रे, बाजू में ही डायमंड, भर दे बास्केट में डायमंड और चल। अरे यार ओ नो शिट, ठीक है ठीक है ठीक है, इस टाइम पे हम लोग टो केबल लगा देंगे। वाह हम लोग इतने इजीली चोरी कर दिए यार, शिट कितने आसानी से कर दिए हम लोग। ठीक है देखते हैं, ये दोनों बात करते बैठे थे और हम लोग चुरा के लेके भी आ गए डायमंड। ओ नो क्या हो गया, ब्रांच ब्रांच, ठीक है हम लोग डायरेक्टली ब्रांच को गिरा देंगे, ब्रांच। अरे डायमंड तो चला गया अपना डायमंड हम लोग का। अच्छा तो हम लोग को वो यूज़ करने का है। मैं फेल करके वो 2 स्टार पुलिस लगा है, ये तो GTA सीरीज की तरह है। रॉक रॉक डाल दे पत्थर यार इसके सर पे मार। हम लोग जीत गए आराम से। अय्या अरे यार इतना जल्दी करना पड़ता है ना मुझे कुछ समय। बबल बच गए शायद, बच गए। ओ भाई बच गए हम लोग, फटाफट से कुछ भी आ जाता है पता भी नहीं चलता। अभी कुछ तो खुद ही मारने का है, तो फटाफट से बस आ जाए अच्छे से। अरे क्या करना क्या है, अरे भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम लोग पानी में गिर चुके हैं और डायमंड चला गया। ओ बाजू में डायमंड है। ओ भाई हम लोग तो पूरा रो बन चुके हैं हम लोग, नहीं मतलब क्या लेवल की चोरी कर दी। अभी चोर लोग भी शर्मा आ जाएंगे हम लोग से, बोलेंगे अरे भाई 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 तू कितना बड़ा चोर है। तो हम लोग का ये नेक्स्ट रहेगा, क्या ही है क्या लिखा है, कितनी गंदी हैंड राइटिंग है, इन्फील रेटिंग द एयरशिप, पता नहीं छोड़ दो, वो नेक्स्ट एपिसोड में देख लेंगे हम लोग। पर ये 3 एपिसोड हम लोग ने इतने प्रोली कंप्लीट किए ना, क्या बोलूँ अभी मैं, नहीं मतलब एकदम फाड़ दिया यार, फाड़ दिया तोड़ दिया, जो बोला है बोल दो। ठीक है तो यही था हमारा 2D गेम सीरीज़ का पहला एपिसोड और पहला पार्ट, मतलब पहला सीज़न बोल सकते हो आप, नहीं सीज़न तो नहीं बोलेंगे, पहला गेम बोलेंगे हम लोग। इसके लिए मैं एक अच्छा नाम सोच लूँगा, तब तक आने वाले टाइम तक, मतलब 1 जनवरी तक अच्छे से नाम भी ढूंढ लूँगा मैं, और उसको हम लोग एक नाम दे देंगे। पर ये एक MG एक्सक्लूसिव सीरीज़ होने वाली है, जो कि मोनो गेमर्स एक्सक्लूसिव होने वाली है। MG जिसको नहीं पता तो बता दूँ, तो मोनो गेमर्स एक्सक्लूसिव सीरीज़ होने वाली है, जो कि आपको मोनो गेमर्स चैनल पर देखने को मिलेगी। और ये 2D गेम्स सभी के सभी मैं ट्राई करने वाला हूँ खेलने का, जितने हो सकते होते हैं, और मैंने पूरा लिस्ट बना लिया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए उस लिस्ट में आते 16 गेम्स हैं जो मैंने डिसाइड कर लिए हैं खेलने वाले, और सभी के सभी रेडी पोजिशन में खेलने के लिए, बस इतना ही करके टाइम चाहिए बस। तो मैं एक सीरीज़ ख़त्म होने के बाद दूसरा गेम चालू करूँगा, और वरना मैं देखूँगा 2 गेम साइमल्टेनियसली खेलूँगा। पर अभी 1 जनवरी है, ये मतलब इसका 2nd एपिसोड यानी कि 2nd पार्ट आप लोग को मिलेगा, यानी कि 2-3 छोड़ के 4 तारीख को, मतलब आपको मैंने बताया था शेड्यूल। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ
शेड्यूल ऐसा होगा करके, अगर आज मैंने डाला तो 2 दिन छोड़ने के बाद तीसरा मतलब सेकेंड वीडियो आएगा, और उस 2 दिन में एक तो मैं मेरे माइनक्राफ्ट की सीरीज़ की वीडियोज़ डालूंगा, या फिर एक नई सीरीज़ आने वाली है वो मैं डालूंगा। अभी आप लग अभी पता चलेगा आपको, मैं 2 या फिर 3 तारीख मतलब कल या फिर परसों तक वो सीरीज़ का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, पता चला तो पता नहीं, तो वो वीडियोस आ सकते हैं कल परसों तक, वरना हम लोग यही सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे अगर आपको को MG एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए तो सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि मेरा नेक्स्ट एपिसोड जैसे आ जाए आपको इन्फॉर्म हो जाए। और मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।